जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी के मामले में अब गेंद दिल्ली सरकार के पाले में आ गई है और अब केजरीवाल सरकार को यह तय करना है कि वो देशद्रोहियों के खिलाफ है या फिर उनके साथ है। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे पहले आम आदमी पार्टी दिल्ली पुलिस की चार्जशीट को गलत बता चुकी है। जेएनयू देशद्रोह केस में आम आदमी पार्टी किसके साथ? देश में टुकड़े टुकड़े गैंग के कितने हमदर्द? अदालत में बिगड़ी बात, कैसे होगा देशद्रोहियों का हिसाब? जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाए जाने के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है, साथ ही कई सवाल भी किए। कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि आखिर मामले में चार्जशीट दाखिल करने से पहले दिल्ली सरकार से इजाजत क्यों नहीं ली गई? कोर्ट ने पूछा कि क्या दिल्ली पुलिस के पास अपना लीगल डिपार्टमेंट नहीं है? कोर्ट ने चार्जशीट पर सरकार की मंजूरी के बिना संज्ञान लेने से इनकार कर दिया और मामले को सुरक्षित रख लिया। जवाब में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा कि वो 10 दिन के अंदर दिल्ली सरकार से मंजूरी ले लेगी। बताया जा रहा है कि अगर दिल्ली सरकार इसकी अनुमति नहीं देती तो दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार से भी परमिशन ले सकती है। अब सवाल केजरीवाल सरकार से है कि क्या जेएनयू मामले में वो चार्जशीट के रास्ते में रुकावट बनेंगे या अपनी मोहर लगा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।